इंदौर के बाल सुधार गृह से बुधवार को 8 बाल अपचारियों के भागने का मामला सामने आया है। बाल सुधार गृह से भागे सभी लोग गंभीर अपराधों में लिप्त थे। सूचना के बाद एसएसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। इसके पहले भी एक बाल सुधार गृह से 3 आरोपी भाग चुके हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने बैठक कर उचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं फिर से ना हो। एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के बाल सुधार गृह का है, जहां गंभीर अपराधों की सजा काट रहे 8 बाल अपचारी बुधवार को खिड़की की ग्रिल तोड़कर भाग निकले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर अपचारियों की तलाश शुरू कर दी है। वही जानकारी लगते ही कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव, एएसपी रुचिवर्धन मिश्र सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक फरार हुए अपचारियों में भिंड के 3, धार के 3, खंडवा का 1 और इंदौर का 1 अपचारी शामिल है। भागे अपचारियों में 4 के बालिक होने की बात भी पता चली है।